नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस ओडिशा में हुई दुर्घटनाग्रस्त। ओडिशा पुलिस ने बताया है कि हैदराबाद से प्रवासी मजदूरों को बाकी ले जा रही बस के खोरदा जिले में दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम दो लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान बस ड्राइवर के तौर पर हुई है। बतौर जानकारी, ड्राइवर का संतुलन बिगड़ने के बाद बस ट्रक से टकरा गई थी। प्रवासी मजदूरों ने सूरत में पुलिस पर पथराव किया, छोड़े गए आंसू गैस के गोले। गुजरात के सूरत में सोमवार को सैकड़ों प्रवासी मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे और उन पर लाठीचार्ज किया। जानकारी के मुताबिक यात्रा पास की अनुमति दिए जाने के बावजूद मजदूरों ने प्रदर्शन किया। घर लौटने के इच्छुक प्रवासी मजदूर कथित तौर पर अधिकारियों द्वारा किए गए इंतजामों से नाराज थे। तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी के लिए दो नई तस्वीरें जारी की है। मंत्रालय के मुताबिक 1 सितंबर 2020 के बाद सभी आयातित निर्मित पैक तंबाकू उत्पादों पर पहली फोटो, जबकि 1 सितंबर 2021 के बाद दूसरी फोटो लगाना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने पर तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत सजा होगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।